जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, जनपद सोनभद्र रेणीकूट नगर इस समय उपस्थित हूँ श्री राधा कृष्ण मंदिर की। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर यहाँ पर मनाया जा रहा है अखंड भारत, जिसकी पूर्ण जोर शोर से तैयारी चल रही है। रेणीकूट के समस्त उपस्थित हैं गणमान्य व्यक्ति। और अखंड भारत क्यों मनाया जाता है के बारे में यहाँ पर जो लोग उपस्थित है मैं उसे जानकारी भी लूंगा। शंकराचार्य जी का शारदा पीठ हमसे अलग हो गया, कटक राज का वह सरोवर जहाँ यक्ष ने युधिष्ठिर और उनके भाइयों से प्रश्न पूछा था, जहाँ वो बेहोश हुए थे, वो हमसे कट गया। लाहौर, लव का बसाया हुआ लाहौर, कुश का बसाया हुआ कुसूर, सब हमसे अलग हो गया। लेकिन इस देश के उस समय के कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि देश स्वतंत्र हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम प्रतिवर्ष इसीलिए अखंड भारत संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं कि आज नहीं तो कल ये सारे भूभाग मेरे होंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो भी है, ये सब हम किसी न किसी तरह लेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता है कि 15 अगस्त 1947 से एक दिन पूर्व भारत को मजहब के नाम पे खंडित किया गया, और जिसके कारण भारत का बहुत बड़ा भूभाग जो है हमसे जुदा हो गया, और उसी को लेकर के आज हम सब जो हैं इस अखंड भारत संकल्प दिवस के रूप में हम मनाते हैं। बंधुओं, अखंड भारत दिवस जो मनाया गया है, सभी गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, और यहाँ पर जो लोग हैं मैं उनसे बातचीत भी करूंगा अखंड भारत के बारे में। सर जी, क्या कहना चाहेंगे, जो अखंड भारत मनाया गया है, आने वाली नव युवा पीढ़ी जो है क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे उनका मार्गदर्शन करेंगे जो आने वाले समय में अपने को तैयार रखें इसके लिए? सबसे जरूरी बात है चरित्र निर्माण जी। अगर हमारे युवा चरित्रवान नहीं होंगे, संस्कारवान नहीं होंगे, तो अखंड भारत की संकल्पना भूल जाइए जी। तो ये संस्कारों की जो दीक्षा होती है वो घर से होती है जी। शिक्षा के लिए तो हम भेज दे रहे हैं उनको कॉन्वेंट स्कूल जी, लेकिन दीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, और सही शिक्षा दीक्षा न होने से वो जब युवा पीढ़ी में किशोरावस्था में आ रहे हैं तो उनको भटकने के लिए, पथभ्रष्ट होने के लिए आज इतने संसाधन है जितने पिछले 4 दशकों पहले नहीं था। ज्यादा ज्यादा लोग उपन्यास पढ़ते थे, मैगजीन पढ़ते थे, आज इतना कुछ अवेलेबल है और वो भी आपके हाथ में है, आपके मोबाइल में है। तो अगर हम अपनी युवा पीढ़ी को, अपने बच्चों को, जैसे डॉक्टर साहब हैं अपने बच्चे को डेली लेके मंदिर आते हैं, नित्य प्रति लेके आते हैं, इनका नियम है जी। तो बस ये दीक्षा दे रहे हैं, शिक्षा तो स्कूल में पाएगा जी, लेकिन दीक्षित यहीं से हो रहा है। अगर बच्चे की नींव सही हो गई तो भवन बहुत मजबूत बनेगा, और फिर उस बच्चे को चाहे वो किशोरावस्था में जाए, चाहे युवावस्था में जाए, चाहे प्रौढ़ावस्था में जाए, उसको कोई भी विचलन उसके जीवन पे प्रभावी नहीं होगा, वो विचलित नहीं होगा, अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहेगा, अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठावान रहेगा, अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहेगा। और अगर अपने धर्म के प्रति निष्ठावान है तो निसंदेह राष्ट्र आपका सुरक्षित है। अखंड भारत की संकल्पना के लिए सबसे जो नीम की चीज है वो संस्कार दीक्षा है जी। अगर चरित्र निर्माण नहीं होगा, अगर हमारे युवा जो है पंजाब की तरह, पंजाब के युवाओं के तरीके से नशेड़ी हो गए, भंगड़ी हो गए, चरसी हो गए, हीरोइनबाज हो गए, तो भूल जाइए किसी भी अखंड भारत की संकल्पना और परिकल्पना को किताबों तक सीमित रहने दीजिए जी, ये कभी साकार नहीं होगी। तो इसके लिए हम सबको प्राणपण से अपनी अगली पीढ़ी को, अब हम तो जैसे रहे जैसा पालन पोषण हुआ, और फिर भी हम तो ये कहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत किया, समय दिया, आज क्या कर रहे हैं हम लोग समय नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे सर्वेंट की बदौलत पल रहे हैं, कितनी दीक्षा मिलेगी सर्वेंट से। तो हमें अपनी अगली पीढ़ी को सुरक्षित करना है, हमारी अगली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी, संस्कारित रहेगी, तो एक न एक दिन, जैसे धारा 370 खत्म हुई, 35A खत्म हुआ, राम मंदिर बना, वैसे अखंड भारत की संकल्पना भी पूर्ण होगी, समय लगेगा, लेकिन अगर हमने संस्कार देने में, चरित्र देने, निर्माण करने में हम चूक गए, हम खाली मोबाइल में खुद और अपनी अगली पीढ़ी को भी
चिपका के और अपना काम धाम करते रहे तो फिर समझ लीजिए कि ये सब कोरी कल्पना है और बस टाइम पास है। अखंड भारत की बातें सब परिकल्पना ही है, वो कभी साकार नहीं रूप लेगी। बहुत बहुत मंगल कामना डॉक्टर साहब के लिए। देखिए बच्चों में वो संस्कार डाले जाए कि आने वाली पीढ़ी हमारे राष्ट्र को समझ सके, हमारा धर्म क्या है इसके बारे में समझ सके, ऐसे संस्कार बच्चों में डालना चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे जो अखंड भारत दिवस मनाएगा इसके बारे में? इसके बारे में हमारा यही कहना है कि सभी लोगों को अपने धर्म के प्रति विश्वास बहुत होना चाहिए और मजबूती के साथ होना चाहिए और जात भेदभाव से ऊपर उठें, तभी अखंड भारत का निर्माण हो सकता है। बस इतने कम शब्दों में हम यही दो शब्दों जी। मेरा कहना यह है कि अखंड भारत की परिकल्पना जो की जा रही है, अखंड भारत की परिकल्पना का स्वप्न साकार तभी हो पाएगा जब ये चीजें आती हैं कि हिंदू सहिष्णु है और कौन सहिष्णु नहीं है। जहाँ पे हिंदुओं की संख्या अन्य जो उस तरह के लोग हैं जो कट्टर विचारधारा रखते हैं उनके सामने जहाँ भी कम होती है, तो उसके लिए वहाँ पे जो गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, गंगा जमनी तहजीब वहाँ पे समाप्त हो जाती है। जहाँ पे उनकी संख्या कम होती है वो गंगा जमनी तहजीब की बात करते रहते हैं, जैसे ही उनकी संख्या अधिक होती है वहाँ पे उनके अंदर सहिष्णुता समाप्त हो जाती है और गंगा जमनी तहजीब भी समाप्त हो जाती है और वो अपने धर्म को प्रचारित करने के लिए लोगों के ऊपर दबाव डालने लगते हैं, अपने मजहब को हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं। और धीरे 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 अगर ये देखेंगे तो हमारी जो हिंदुस्तान की अखंड हिंदुस्तान की जो अखंड भारत की जो पृष्ठभूमि थी, जो भूमि थी, वो कहाँ से कहाँ तक थी, ईरान से लेकर के पाकिस्तान से अफगानिस्तान से लेकर के आप इधर हिंदुस्तान से होते हुए बर्मा और इधर आप होते हुए आप चले जाइए कंबोडिया और वियतनाम तक थी, जो कि आज सिकुड़ते 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 सिर्फ हिंदुस्तान के बीच वाले पोर्शन में भी, यहाँ भी हम सुरक्षित नहीं हैं, हम यहाँ से भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लोग डराने का प्रयास कर रहे हैं कि इसके लिए हम सब लोगों को जाति पाति भेदभाव को भूल करके एक साथ संगठित होकर के खड़े रहने की जरूरत है और सबको एक साथ मिल करके कंधे से कंधा मिला करके अगर ऐसी स्थिति आए तो सबको एकदम मसाल लेकर के उसके सामने डट करके खड़ा होने की जरूरत है। बस यही हमारा कहना। देखिए जातिगत और भेदभाव भुला करके एकता बनाने की आवश्यकता है, तभी हम इन समस्याओं का सामना भी कर सकते हैं और आने वाले किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार भी रह सकते हैं। यहाँ पर अखंड भारत में सभी लोगों ने अपनी शिरकत की है। क्या कहना चाहेंगे अखंड भारत जो मनाया गया है हमारे आने वाली पीढ़ी को जागृत करने के लिए? दो शब्द बोले। अखंड भारत का हम लोग सपना ही नहीं देखेंगे, इसका संकल्प करके दृढ़ निश्चय के साथ इसे पूर्ण रूप से साकार भी करेंगे। बस यही कहना चाहूंगा। देखिये सभी लोगों की इच्छा रहती है कि सपना जो देखा गया है ये पूरा अखंड भारत हम लोगों का हो, भारत का हो, इसमें सभी लोगों को जागृत होने की और शिक्षित होने की और एकता बनाए रखने की जरूरत है। क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों को, सब लोगों को एक हो करके और अपने भारत देश का जो विभाजन करके हमसे जो भाग को अलग कर दिया गया है, पाकिस्तान बना, कहीं श्रीलंका बना, कहीं बांग्लादेश बना, कहीं अफगानिस्तान बना, तो इस सारे जगहों को फिर से हमको अपने भारत देश में मिला करके और अखंड भारत के सपना को साकार करना है और उसके लिए हम सभी को एक होना होगा। जात पात को भूल करके, धर्म को भूल करके हमको एक हिंदुस्तानी बनना होगा और हिंदुस्तानी बनने के बाद एक होकर ही हम अखंड भारत के सपना को पूरा कर पाएंगे। जी जय हिंद जय भारत। देखिए काफी लोगों ने ये इस अखंड भारत में जो उत्सव मनाया गया सभी लोगों ने शिरकत की है और ये अखंड भारत राधा कृष्ण मंदिर रेनीकोट में संपन्न हुआ है, सभी लोगों ने इसमें उपस्थिति की है। इन बच्चों की अथक मेहनत से बनाया गया, परिश्रम से बनाया गया ये पूरा मानचित्र, सभी बच्चों के लिए मंगल कामना। मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।